आज मैं आपको दिखाऊंगा पुलिस वाले क्या सवाल जवाब करते हैं लॉकडाउन के समय, और फिर दिखाऊंगा कि कैसे कुत्ते मेरी कार के साथ साथ भागना शुरू कर दिए थे, काफ़ी दूर तक मेरा पीछा किया था इन्होंने। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा सलावास का वो बंद पड़ा मार्केट जो लॉकडाउन के समय पूरी तरह से लॉक है, जो किसी दिन बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आते जाते थे, बट आज यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे हैं सड़क पर और पूरा मार्केट बंद पड़ा है। हेलो गाइस, मैं पवन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। और आज मैं घर से बाहर आया हूँ लॉकडाउन के समय में, यहाँ से सालावास की तरफ आया हूँ कुछ सामान लेने के लिए। सामान मैंने ऑलमोस्ट पूरा ले लिया है, थोड़ा सा है जो मैं, तो चलिए मैं आपको सालावास का व्यूज़ दिखाता हूँ। आप देखिएगा किराना की दुकान में काफ़ी सारे लोग एक साथ खड़े हैं और सब्जी की दुकान पर भी कुछ लोग हैं, बैंक का काम चालू है। और इस कुत्ते को देखिए, ऐसा लग रहा है ये मुझे बोल रहा है कि भाई तू लॉकडाउन के समय घर से क्यों बाहर आया है। तो और आप ये देख रहे हैं सालावास का मेन मार्केट, ये पूरा का पूरा मार्केट आज बंद है लॉकडाउन की वजह से। तब से लॉकडाउन लगा है तब से ये पूरा मार्केट बंद ही रहता है, हर समय सड़क पे कुछ लोग हैं, इक्का दुक्का गाड़ियाँ एक दो आ रही है। जैसा कि हम सभी को पता है इस बीमारी का यही एक इलाज है कि हम अपने घर में रह के इसे हरा सकते हैं, और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। सड़क पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, हर एक मार्केट बंद है जो कि आमतौर पर एनी टाइम भीड़ भाड़ वाला इलाका था, काम भी बंद पड़े सारे के सारे, पानी की सप्लाई ऑन है। अभी हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पेट्रोल पंप पे बंदे नहीं है अभी कोई, बट वो आ रहा है भैया 1000। जैसा कि इन्होंने मुझे भी बताया कि पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगी, तो दिल को थोड़ा सुकून मिला है कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कैश खत्म है, ATM में वापस आ गई। जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैं यहाँ से रवाना हो, मेरे सामने मुझे पुलिस वाले दिख रहे हैं जो गाड़ी रुकवाने के लिए रास्ते पे आ रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको पुलिस वालों को। पुलिस वाले रोड पे ही खड़े हैं, मुझे इशारा कर रहे हैं मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी, कुछ सवाल जवाब करेंगे। जैसे कि उन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ गया, फादर का भी नाम पूछा इन्होंने मुझे, दिखाता हूँ फादर्स नेम। और फिर इन्होंने मुझे काफ़ी सारे और सवाल जवाब किए, जैसे कि कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ गए थे, बैंक में क्या काम था, मेरे हिसाब से सही भी है। और जब मैं सबसे पहले गाड़ी से बाहर आया था तो मैंने अपना मुंह नहीं ढका था, तो इन्होंने बोला पहले जाओ मुंह ढक के आओ फिर बात करिए। वापस आए और मुझे बोला कि जाओ मुंह ढक के आओ, तो मेरे पास मास्क नहीं था तो मैं रुमाल ही अपने मुँह पर लगा के आया हूँ। और इनके सवाल जवाब बंद भी नहीं हो रहे हैं, ये सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, सही भी है, इनके लिए तो ताली बजाने का दिल करता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये यहाँ पर नहीं बैठेंगे तो फिर लोग बाहर आ जाएंगे, धूप में बैठे हैं तंबू लगा के। और अभी मुझे मेरे घर जाना है वापस, हम आ गए कार के पास और अभी हम चलते हैं अपने घर। जैसा कि आपने अभी देखा है पुलिस वालों ने मुझे रुकवाया है, पूछताछ की है कि कौन हो, कहां से आए हो, कहां गए थे, और गाड़ी के नंबर क्या है, पापा का नाम, मोबाइल नंबर सब ले लिया उन्होंने मेरा, पता नहीं क्या करेंगे अब वो, पर जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे ही हमारे लिए अच्छा है सेफ्टी के लिए। तो जैसा कि आपको मैंने भी दिखाया सालावास में कि लोग काफ़ी मात्रा में बाहर निकले हुए हैं घर से, बिना किसी काम के भी निकले हुए हैं, दुकान पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। पर अभी जो सबसे मुश्किल घड़ी है वो ये है कि हम सिंगल लड़कों की वो हालत होगी, मैं क्या बताऊँ अब आपको, जो सिंगल है वो समझ रहे हैं उनकी मतलब क्या बेहतरी होगी, बट उनके ना मौज है आज की डेट में, उनके मज़े हैं जिनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ रह रही है या लिविंग रिलेशनशिप में है या फिर जिनकी नई नई शादी हुई है, उनको तो लॉकडाउन का एक अच्छा खासा बहाना मिल गया है रोमांस करने का। और हम यहाँ एक सिंगल लड़े तो सारे दिन पत्ते खेलते हैं, पत्तों से जी नहीं भरता है तो बाहर तालाब पे जाते हैं कि सबसे दूर पत्र कौन फेंके। अपने बचपन में वापस गए, उन बचपन के दिनों को याद कीजिए, ऐसे खेलिए जैसे आप बचपन में खेलते थे, एंजॉय कीजिए हर जगह में ना, हर छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढिए, एंजॉय कीजिए, हम तो करते ही थे जैसे जैसे मतलब जो जो आइडियाज़ मिलते थे हम उनको मतलब खेल के रूप में लेके खेलना शुरू हो जाते थे। बट अभी क्या बताऊँ, बहुत हालत ख़राब हो गई है मेरी, एक तो लॉकडाउन, सारे दिन घर में रहो, ऊपर से सिंगल, कहाँ जाए यार, मर जाए हम तो। कहते हैं ऊपर वाले ना जोड़ियाँ बना के भेजता है, पर मेरे यहाँ पे उल्टा है, मेरे वाली मुझे मिल नहीं रही है, ऐसा लगता है कि कहीं मर तो नहीं गई है, पता नहीं, ढूंढ रहा हूँ कब से, मिलती ही नहीं है। कि आप सब खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, मुझे लीजिए यार लॉकडाउन का बहाना है, आपको कहीं बाहर तो जाना है नहीं अभी। मैं तो कभी कभी ना ये सोच के परेशान, तो कुछ लंडे हो रहे होंगे मुझे लगता है ऐसा, कि जिनकी गर्लफ्रेंड है बट घर से थोड़ा दूर है, उनको भी जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि हर जगह पे पुलिस की नाकाबंदी है,
पुलिस हर जगह पे चेकिंग कर रही है, उनके लिए वहाँ जाना नामुमकिन है। उन पर क्या गुजरी होगी जिनकी गर्लफ्रेंड है बट अभी उनसे मिल नहीं सकते। कोई नहीं, आप भी मेरी तरह एंजॉय कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सबके साथ रहिए, सबको टाइम दीजिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। घर से अर्जेंट कुछ ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए, वरना आप सब मेरी तरह घर में रहिए, पत्ते खेलिए, कुछ और करिए, लूडो खेलिए, टाइम पास कीजिए, मूवी देखिए, अपने मोबाइल में देखो, टीवी में देखो, जहाँ पे मन करे जो करना है करो, बस घर में रहो ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और फिर हम सब दोबारा से आज़ाद हो जाए जैसे हम सब पहले थे।